Good morning, class. In our last classes, we were talking about active and passive voice. हम active and passive voice के बारे में पढ़ रहे थे और आज indefinite tenses के बाद हम शुरू करेंगे continuous tenses के rule. लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगी कि मैं आपको indefinite tenses को एक बार revise करा दूँ. हम लोगों ने कल तीन tenses पढ़े, present, past और future indefinite tense. एक बार तीनों के structures मैं आपको बता रही हूँ. Present indefinite tense. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको बताया एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट. इट्स वेरी सिंपल. सबसे पहले कर्ता आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्रिया अपने फर्स्ट फॉर्म में आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा. पैसिव वॉइस में जैसा मैंने आपको बताया था कल कि हम कर्ता और कर्म दोनों की पोजीशन को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं क्योंकि पैसिव वॉइस में बताया जाता है कार्य किसके द्वारा किया है. तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, इसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी इज या आर, उसके बाद वर्ब मुख्य क्रिया जो है वो अपने थर्ड फॉर्म में आएगी, उसके बाद बाय, देन सब्जेक्ट. ठीक है, अब एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो. ही प्लेज फुटबॉल. ठीक है, आप देख रहे हैं ही यहां पे क्या है, सब्जेक्ट है, प्लेज क्या है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फुटबॉल क्या है ऑब्जेक्ट. राइट, अब इसको आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में. तो हमारे पास में ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, फुटबॉल पहले आ जाएगा, फुटबॉल. अब फुटबॉल एक है, सिंगुलर नंबर आप यहां पे लगाएंगे इज. ठीक है, फुटबॉल इज मुख्य क्रिया या मेन वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में है. आपके पास इस सेंटेंस में मेन वर्ब कहां पे है, प्लेज, आप इसको इसके थर्ड फॉर्म में ले लीजिए. फुटबॉल इज प्लेड बाय, जैसे आपको बताया था कि प्रोनाउंस चेंज होते हैं, ही जो है वो किस में आ जाएगा, हिम, फुटबॉल उसके द्वारा खेली जाती है. आप देख रहे हैं चेंजेस. एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले आएगा जबकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के बजाय उसके द्वारा किया हुआ काम यानी द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट उसको हम इंपॉर्टेंस देंगे, उसको हम पहले लिखेंगे और सब्जेक्ट लास्ट में जाएगा. तो ये एक मेन डिफरेंस है एक्टिव और पैसिव वॉइस के बीच का. अब नेक्स्ट टेंस देखते हैं जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस. पास्ट इंडेफिनिट टेंस जैसा मैंने आपको कल की क्लास में बताया कि यहां पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब जो होती है वो अपने सेकंड फॉर्म में होती है. एक बात ध्यान रखेंगे, प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस दो ऐसे टेंसेस हैं जिसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, इस चीज को केयर कीजिएगा. सब्जेक्ट मेन वर्ब अपने सेकंड फॉर्म में और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट. इसी तरह से चेंज होगा पैसिव वॉइस का फॉर्मूला. आप यहां पे इज और आर की जगह लिखेंगे वॉज या वेयर, बाकी सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट वॉज वेयर वर्ब थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट. ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं, इसी सेंटेंस को चेंज करते हैं अपन पास्ट इंडेफिनिट में. ही प्लेज फुटबॉल की जगह हो जाएगा ही प्लेड फुटबॉल. जिसमें ही सब्जेक्ट, प्लेड मुख्य क्रिया या मेन वर्ब अपने सेकेंड फॉर्म में और फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट. अब फॉर्मूला देखिए जो आपके सामने है, ऑब्जेक्ट वॉज वेयर वर्ब थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट अपने पास फुटबॉल है, फुटबॉल को सामने लाएंगे, सब्जेक्ट की जगह इंटरचेंज करेंगे पोजीशन, फुटबॉल सिंगुलर नंबर है तो आप लगाएंगे वॉज, फुटबॉल वॉज प्लेड बाय हिम. एक चीज जो और मैंने आपको पहले की क्लासेस में बताई थी उसको रिकैप कर ले,
जब भी हम पैसिव वॉइस लिखेंगे किसी का भी, तो वर्ब विल ऑलवेज बी इन इट्स थर्ड फॉर्म. वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगी, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है. और इसके लिए बहुत जरूरी है कि मेन जो क्रियाएं आप ज्यादातर यूज करते हैं उनके तीनों फॉर्म्स आपको याद होने चाहिए. एक फॉर्म आपने गलत कर दिया और उसमें आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा. देन द लास्ट टेंस जो हमने कल पढ़ा था उसको भी रिवाइज कर लेते हैं, एंड दैट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस से अलग है, कारण इसमें आइडेंटिफाइंग हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो बताती हैं कि ये सेंटेंस फ्यूचर टेंस का है. जैसे आप जानते हो कौन सी वर्ब्स हैं, शैल या विल, ठीक है. सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल, मेन वर्ब या मुख्य क्रिया अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है. अब जब आप इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे कहाँ चेंजेस होते हैं, मेन जो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहाँ लग रही है, पैसिव में कौन सी एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब हम डाल रहे हैं, वो आपको केयर करना है, ठीक है. वहाँ पे अगर आप गलती करेंगे तो फिर आपका सेंटेंस पूरी तरह से रॉन्ग हो जाएगा. ये आपने देखा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, शैल, विल, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट. अब इसको जब आप पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल. मैंने आपको बताया कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब अपने कौन से फॉर्म में रहेगी, थर्ड फॉर्म में. तो यहां आपको एक और हेल्पिंग वर्ब डालनी पड़ेगी जो होगी बी. बी के बाद में आ जाएगा वर्ब थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाय सब्जेक्ट, ठीक है. ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेड फुटबॉल, ही विल प्ले फुटबॉल, ठीक है. अब आपको इस सेंटेंस को पैसिव में बदलना है, ठीक है. आपके पास में ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, ठीक है. आप उसको पहले ले आएंगे सामने, फुटबॉल. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपके पास फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब तो है ही, विल. आपको एक हेल्पिंग वर्ब यहां पैसिव बनाते समय इंट्रोड्यूस करानी पड़ेगी जो होगी बी. फुटबॉल विल बी. प्ले का थर्ड फॉर्म लीजिए, प्लेड बाय हिम. ठीक है, क्लियर हो रहा है अच्छी तरह से. कोई प्रॉब्लम है किसी को तो आप पूछ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक. जैसे एक सेंटेंस चलिए और कर लेते हैं, शी विल सी अ फिल्म. अब इसको पैसिव में बना के देखिए जरा बनता है क्या आप लोगों से, कोशिश करिए. बहुत सिंपल है, बहुत सरल, बहुत छोटा सा सेंटेंस हमने लिया है अभी कि जिससे आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन ना हो. आपके पास में फिल्म क्या है, फिल्म क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है. शी सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, सी मेन वर्ब है अपने फर्स्ट फॉर्म में, और फिल्म क्या है, ऑब्जेक्ट है. अब आपको जब चेंज करना है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, अ फिल्म, ठीक है. अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, अ फिल्म विल बी, सी सॉ सीन. थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, सी बाय शी को आप चेंज कर देंगे किसमें, हर. तो ये रिकैप जो हमने कल पढ़ा था आपको रिवाइज कराने के लिए. अब हम आज स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूअस टेंसेस. यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, हम चले आगे, ओके. अब हम कंटिन्यूअस टेंसेस लेंगे और इसी तरह से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. कंटिन्यूअस का मतलब होता है प्रोग्रेसिव, लगातार कोई काम किया जा रहा है. सब्जेक्ट के द्वारा अगर हम शो करते हैं कि हमारा सब्जेक्ट कुछ कर रहा है तो दैट इज एक्टिव वॉइस. और जब हम सब्जेक्ट को सामने ना लिख के इम्पॉर्टेंस हम देंगे द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट को, तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो जाएगा. हम उसका कर्म पहले लिख रहे हैं और कर्ता को हम लास्ट में कर रहे हैं, ठीक है. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को देखेंगे सबसे पहले.
present, continuous, tense. आपको इसका एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला याद होगा? अगर नहीं तो हम आपको रिवाइज करा दें. एक्टिव वॉइस सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट. कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, एम, आर. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यू विल चूज विच हेल्पिंग वर्ब इज करेक्ट टू यूज. आपको सब्जेक्ट के अनुसार देखना पड़ेगा कि आई है तो एम लगेगा, ही शी इट है तो उसके साथ इज लगेगा, वी यू दे इस तरह है प्लूरल नंबर तो उसके साथ में आर लगेगा. उसके बाद जो मुख्य क्रिया होती है, वर्ब जो होती है, वर्ब विथ आई एन जी, और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब इस फॉर्मूले को, इस स्ट्रक्चर को हमको चेंज करना है पैसिव वॉइस में. सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ले लेंगे. ठीक है, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब यही रहेंगे. आई बहुत कम ऑब्जेक्ट के रूप में आता है इसलिए हम एम को यहां नहीं लेंगे, इज या आर. ओके, ऑब्जेक्ट के बाद में इज या आर. मैंने आपको अभी बताया कि वॉइस में, पैसिव वॉइस में मुख्य क्रिया या मेन वर्ब हमेशा अपने थर्ड फॉर्म में जाती है. ठीक है, तो यहां आपको कंटिन्यूएशन शो करना है कि जो भी काम है वो चल रहा है, हो रहा है. ठीक है, अब अगर हम वर्ब को थर्ड फॉर्म में डालते हैं तो गड़बड़ होगा, तो हमको एक और हेल्पिंग वर्ब यहां पे इंट्रोड्यूस करानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी, जो होगी बी, बी ई आई एन जी, जो बताएगा कि क्या किया जा रहा है, कौन सी चीज चल रही है. ठीक है, उसके बाद जो मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, जैसा मैंने आपको बताया दैट विल ऑलवेज बी इन इट्स थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस, तो वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में चली जाएगी, उसके बाद में बाय सब्जेक्ट. ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर? इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एनी टाइम. ओके, जैसे वी आर रीडिंग बुक्स, बहुत सरल है, कोशिश कीजिएगा. वी यहां पे क्या है? सब्जेक्ट है. आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया. रीडिंग क्या है? मुख्य क्रिया विथ आई एन जी, वर्ब विथ आई एन जी, और बुक्स क्या है? ऑब्जेक्ट. अब आप अपना पैसिव का फॉर्मूला देखिए और जो आपके सामने है उसके अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू पुट अप करते जाइए, रखते जाइए. ऑब्जेक्ट क्या है? बुक्स. तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? बुक्स. उसके बाद इज या आर? शाबाश, वेरी गुड. बुक्स है ना प्लूरल नंबर, तो नो सेकेंड थॉट्स. जहां आपको लग रहा है प्लूरल नंबर है, आप सीधे क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे. तो ये हो जाएगा बुक्स, आर. अब इसके बाद हमारी अगली हेल्पिंग वर्ब क्या है? बीइंग. उसके बाद मुख्य क्रिया को थर्ड फॉर्म में लेंगे, हमारी मुख्य क्रिया क्या है? रीड. रीड का थर्ड फॉर्म रेड. स्पेलिंग विल बी द सेम, आर ई ए डी फर्स्ट फॉर्म जिसको आप रीड पढ़ेंगे, आर ई ए डी सेकेंड फॉर्म जिसको आप रेड पढ़ेंगे, आर ई ए डी ही थर्ड फॉर्म जिसको आप रेड पढ़ेंगे. ओके, नो कंफ्यूजन. बुक्स आर बीइंग रेड बाय, बाय एजेंट. बाय हम क्यों लगाते हैं? काम किसके द्वारा किया जा रहा है बताने के लिए. पैसिव वॉइस में इसलिए बाय का महत्व होता है. ओके, तो यहां पे आपके पास में सब्जेक्ट क्या है? वी. आप उसको चेंज करेंगे किसमें? वी किसमें चेंज हो जाएगा? अस. बुक्स आर बीइंग रेड बाय अस. आप यहां चेंज कर देंगे. देखिए, हम किताबें पढ़ रहे हैं, एक्टिव वॉइस, किताबें
हमारे द्वारा पढ़ी जा रही है. अंडरस्टूड? एकदम अच्छी तरह से समझ में आ रहा है? इज देयर एनी प्रॉब्लम? इसी तरह से द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट. बनाइए इसको. कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट लीजिए सबसे पहले. ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट. क्रिकेट. अब देखिए, क्रिकेट सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर? सिंगुलर नंबर है तो क्या लगेगा? इज. उसके बाद हमारी अगली हेल्पिंग वर्ब क्या है? बीइंग. क्रिकेट इज बीइंग. वर्ब थर्ड फॉर्म प्लेड. आगे बाय द बॉयज. क्लियर हो रहा है अच्छी तरह से? बिल्कुल कि कोई दिक्कत है? बनेगा अच्छे से? अब हम लोग आ जाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसके और एग्जांपल्स करने हैं कि आपको क्लियर हो गया? क्लियर हो गया. चलिए, इसी से मिलता जुलता टेंस है जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ एक ही फर्क है, हेल्पिंग वर्ब का. हम यहां पे लिख रहे हैं सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब इज आईएनजी ऑब्जेक्ट. इस इज एम आर की जगह क्या आ जाएगा? बताइए क्या आ जाएगा? पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? वॉज या वेर. एग्जैक्टली यहां पे आ जाएगा वॉज या वेर. ठीक है, पैसिव वॉइस में भी उसी तरह आप चेंज कर देंगे. जो हेल्पिंग वर्ब्स होंगी, इज आर की जगह आप क्या यूज करेंगे? वॉज वेर. ये आ जाएगा यहां पे वॉज या वेर. ठीक है, बाकी सेम रहेगा. एक बार फॉर्मूला देख लेंगे. सब्जेक्ट वॉज वेयर, वर्ब विथ आई एनजी ऑब्जेक्ट. कोई काम भूतकाल में किया जा रहा था. और जब आप पैसिव करेंगे तो ऑब्जेक्ट वॉज वेयर, बीइंग वर्ब थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट. ओके, चलिए अब चेंज करते हैं अपन सेंटेंसेस. जैसे the students were asking questions. The students were asking questions. Students का मतलब विद्यार्थी. Asking का मतलब पूछना. Questions यानी प्रश्न. वेरी नाइस. चलिए चेंज करिए इसको पैसिव में. हमारे पास में स्टूडेंट्स के रूप में सब्जेक्ट है, वेयर हमारी हेल्पिंग वर्ब, आस्किंग जो है ये मुख्य क्रिया अपने आईएनजी फॉर्म में, और क्वेश्चंस क्या है? ऑब्जेक्ट है. ठीक है, चलिए चेंज करिए. सबसे पहले क्या आ जाएगा? क्वेश्चंस. क्वेश्चंस. अब ध्यान रखना है क्वेश्चन है कि क्वेश्चंस है. अगर क्वेश्चंस यहां पर लिखा है क्वेश्चंस, है ना, तो वॉज आएगा कि वेयर? डेफिनेटली वेयर आएगा, प्लूरल नंबर है. क्वेश्चंस वेयर. अगली हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी आ जाएगी? बीइंग. अब आस्क है ना, तो आस्क थर्ड फॉर्म में लीजिए. आस्क्ड, नो आस्केड. आप प्रोनाउंसिएशन पे बहुत मेहनत कीजिए. इंग्लिश को इंग्लिश के एक्सेंट और उसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन से बोलेंगे तो उस लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस अच्छा आता है ना. इट इज नॉट आस्केड, इट इज आस्क्ड. ओके, क्वेश्चंस वेयर बीइंग आस्क्ड. आगे
एजेंट किसके द्वारा? बाय द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स. क्लियर हो रहा है अच्छी तरह से? क्वेश्चंस बीइंग वेयर बीइंग आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स. क्लियर एकदम बन रहा है? द पीपल वेयर वॉचिंग क्रिकेट मैच. बनाइए. द पीपल वेयर वॉचिंग क्रिकेट मैच. कैसे बनाएंगे? क्रिकेट मैच अब बताइए आगे क्या करना है. बेटा क्रिकेट मैच है, इट्स नॉट मैचेस. अगर मैचेस होता तो हम बोलते आप वेयर लगा लीजिए, पर यहाँ मैच है यानी सिंगल मैच है. तो सिंगल मैच है तो हम क्या लगाएंगे? वॉज लगाएंगे. नाइस. क्रिकेट मैच वॉज. आगे बीइंग. हाँ, अब वॉच्ड बाय द पीपल. बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस. इज देयर एनी प्रॉब्लम? यस और नो? प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. ओके, अगला टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. कल मैंने आपको क्लास में बताया था कि फ्यूचर कंटिन्यूअस तो तीनों ही परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं होता, पर आपके रिकॉल करने के लिए मैं एक बार उसका एक्टिव का फॉर्मूला बता देती हूँ, सो दैट यू शुड रिकॉल इट एंड रिमेंबर इट वंस मोर. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इसका पैसिव नहीं होता, बट जस्ट द एक्टिव वॉइस वील सी. अगर आप लिख रहे हैं और मैं मिटा रही हूं यहां, तो आप मुझे टोक सकते हैं, मना कर सकते हैं कि मैडम मत मिटाइए, हमने लिखा नहीं है. ओके, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा? ऑफ कोर्स सब्जेक्ट फ्यूचर टेंस है, इसलिए इसकी आइडेंटिफाइंग हेल्पिंग वर्ब यहां पे फिर से आएगी, विच इज शैल और विल. ठीक है, उसके बाद बी, अगली हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी बी, उसके बाद वर्ब विद आईएनजी. और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट. चार टेंसेस जिनका पैसिव वॉइस नहीं होता, उसमें से एक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. इसका पैसिव वॉइस नहीं होता, दिस टेंस कांट बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस. आप चाहें तो सिंपली नो पैसिव वॉइस नोट कर लीजिए, जिससे आपको कभी भी इस चीज को लेकर कंफ्यूजन ना हो. नो पैसिव वॉइस, यह है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. डबल हेल्पिंग वर्ब्स हैं, दोनों हेल्पिंग वर्ब्स का आपको केयर करना है. शैल या विल लगेगी, जो इसकी आइडेंटिफाइंग हेल्पिंग वर्ब है. उसके अलावा आप इसमें एक और हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, जो होगी बी. चूंकि आपको वर्ब के साथ आईएनजी लेना है, कंटिन्यूअस, कोई काम भविष्य में चलता रहेगा एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय पर, है ना. तो इस चीज का आपको केयर करना है कि वर्ब जो है वो अपने आईएनजी फॉर्म में रखें और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट. देयर इज नो पैसिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस, दिस टेंस. इसके बाद हम देखेंगे परफेक्ट टेंस. आप लोगों ने देखा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में पैसिव वॉइस नहीं होता है, ठीक है. तो इसमें सिर्फ एक्टिव वॉइस होगा, बेटा कोई काम भविष्य में चलता रहा होगा, हम पढ़ते रहे होंगे. जैसे हम यहां पर एक सेंटेंस लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, वी shall be learning English. हम English सीख रहे होंगे. We shall be learning English.
इसमें केयर करेंगे, इसका पैसिव नहीं है, है ना। अब अगला टेंस जो हमारा स्टार्ट होगा बेटा वो है फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब तीनों परफेक्ट टेंसेस अपन एक साथ लेंगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी बिगिन विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब मैं आपको टेंस पढ़ाते समय बता चुकी हूँ, परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट, कोई काम जो पूरा हो चुका है। कोई काम जो पूरा हो चुका है प्रेजेंट में वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ जाएगा, कोई काम जो पूरा हो चुका था भूतकाल में वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आ जाएगा, कोई काम जो भविष्य में पूरा हो चुका होगा वो किस में आ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। याद कीजिए इसका एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला, आपने टेंस के समय पढ़ा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस में सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता जिसके द्वारा एक्शन होता है ना। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो होती है हैज या हैव। मैंने आपको बताया है कि हैज जो है इसका इस्तेमाल हम एकवचन कर्ता के साथ करते हैं और हैव का इस्तेमाल हम बहुवचन यानी कि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, ठीक है। उसके बाद में मुख्य क्रिया जो होती है वर्ब, वो तीनों ही परफेक्ट टेंसेस में अपने थर्ड फॉर्म में होती है, नेवर फॉरगेट दिस, कभी मत भूलिएगा। मुख्य क्रिया अपने कौन से फॉर्म में होती है, थर्ड फॉर्म में होती है, ऑलवेज इन ऑल थ्री परफेक्ट टेंसेस। तीनों जो परफेक्ट टेंस हैं चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर है, आपको बिल्कुल नहीं भूलना है कि एक्टिव और पैसिव दोनों ही वॉइसेस में मुख्य क्रिया जो होगी वो किस फॉर्म में होगी, थर्ड फॉर्म में होगी, और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए अब पैसिव वॉइस का फॉर्मूला देख लेते हैं। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे, हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव एज इट इज रहेगा, हैज हैव आपको लेना ही है। एक और हेल्पिंग वर्ब हम यहां पे इंट्रोड्यूस कराएंगे जो होगी बीन, बी डबल ई एन, ठीक है। वर्ब थर्ड फॉर्म चूंकि पैसिव है, तो एजेंट काम किसके द्वारा किया जा रहा है ये बताने के लिए बाय लगाइएगा, और लास्ट में आ जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। कोई काम प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका है, ऐसे सेंटेंसेस को बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है, जैसे शी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क, ठीक है, शी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क। अब यहां पे शी क्या है, सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, कंप्लीटेड है मेन वर्ब जो कि अपने थर्ड फॉर्म में है, और हर होमवर्क ये पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। अब पैसिव का फॉर्मूला देख रहे हैं आप, सबसे पहले है ऑब्जेक्ट, हमारे पास में ऑब्जेक्ट क्या है, हर होमवर्क, उसको आप सामने ले आइए, हर होमवर्क। आपको चूज करना है इन दोनों हेल्पिंग वर्ब में से, आप हैज लगाएंगे कि हैव, डिसाइड कीजिए, हैज लगाएंगे। क्यों हैज लगाएंगे, क्योंकि वर्क है, अगर यहां वर्क्स होता तो अपन क्या करते, हैव लगाते, है ना, सिंगुलर नंबर है इसलिए हम हैज लगाएंगे, हर होमवर्क हैज। उसके बाद बीन
ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है. ये बेनिफिट है इस टेंस का कि यहाँ पे एक्टिव वॉइस में भी जो क्रिया है वो कौन से रूप में है, थर्ड फॉर्म में है. पैसिव में आपको सेम वही लिखना है. ठीक है, हर होमवर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय, शी की जगह क्या आ जाएगा, हर. ठीक है, एकदम क्लियर समझ में आ रहा है. यू हैव ब्रॉट अ नोटबुक. यू हैव ब्रॉट अ नोटबुक. चेंज कीजिए पैसिव में. Very good, very good. A notebook. हाँ, अब देखिए बेटा, notebook है ना यहाँ, तो अपन क्या लगाएंगे, has लगाएंगे, क्योंकि जब singular number है, एक वचन है, तो हम क्या use करेंगे, has use करेंगे. तो a notebook has, उसके बाद been, आगे brought by you. समझ में आ रहा है अच्छी तरह से, आप फॉलो कर पा रहे हैं. कहीं भी ऐसा लगे कि आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, मुझे तुरंत बताएंगे और मैं वहां पे स्लो होके या जैसा आप बोलेंगे दोबारा रिपीट करना है, हम दोबारा रिपीट करेंगे. तो मुझे ऐसा लगता है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को क्लियर कर चुके, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. अब हम आते हैं कौन से टेंस पे, दैट विल बी पास्ट परफेक्ट टेंस. मैंने आपको बताया कोई काम हो चुका है उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. कोई काम भूतकाल में, पास्ट में, एक निश्चित समय के पहले खत्म हो चुका था, ऐसे सेंटेंसेस को बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें एक ही चेंज है. यहां पे आप देख रहे हैं हैज हैव, है ना, ये चेंज हो जाएगा. आपको ध्यान है कौन सी वर्ब आएगी यहां पे, हैड आएगी. बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके बोलिए, कॉन्फिडेंट होके बोलिए. बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा, फांसी नहीं होगी. आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप बोलिए. आप बोलेंगे, जो आप बोलेंगे वो आपको जिंदगी भर याद रखेगा, जो मैं बोलूंगी वो आप भूल जाएंगे. तो आप अपने मुंह से बोलिए जिससे वो आपको याद रहे, हमने बताया था वहां पर, है ना. डोंट वरी, डोंट फेयर एनीथिंग, किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है. चलिए उसी तरह से जैसे आपने यहां हैड लगा दिया है ना, यहां पर भी क्या है, आ जाएगा पैसे को, इसमें हैज की जगह हैड आ जाएगा. ठीक है, हैड बीन, बाकी सेम रहेगा फॉर्मूला, कहीं कोई चेंज नहीं. सब्जेक्ट हैड, वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट. पैसिव में आपने चेंज कर दिया, ऑब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट. ठीक, कोई काम भूतकाल में हो चुका था. जैसे My friend had kept a dog. My friend had kept a dog. क्या मतलब हुआ? मेरे दोस्त ने एक कुत्ता रखा हुआ था, पाला हुआ था. चलिए इसको चेंज करते हैं पैसिव में. My friend क्या है यहाँ पे? माई फ्रेंड सब्जेक्ट है, हैड जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, केप्ट है वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में, और डॉग क्या है, ऑब्जेक्ट. अब अपने को पैसिव बनाना है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, अ डॉग. अ डॉग हैड बीन, वेरी गुड, केप्ट बाय माई फ्रेंड.
A dog had been kept by my friend. ठीक है? She had found a new pen. She had found a new pen. उसे एक नया पेन मिला था. चलिए बनाइए इसको. ऑब्जेक्ट क्या है अपने पास में? A new pen. A new pen had been found by. हाँ, she की जगह क्या आ जाएगा? हाँ आ जाएगा. ठीक है? और करना है एक आध एग्जाम्पल की बनेगा? एक आध और करेंगे? चलिए. The girls had made kites. The girls had made kites. Girls यहाँ पे क्या है? Subject है. Had क्या है? Helping verb. Made क्या है? Verb का third form. Kites object. चलिए बनाइए. Kites had been again. Come on. Made. Very good. Made by the girls. Nice. Very nice. बहुत बढ़िया. अब बन जाएगा. आपको एकदम क्लियर हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे करते हैं. अब हम आते हैं परफेक्ट टेंस के लास्ट फॉर्म, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस कोई काम भविष्य में हो चुका होगा उसको बताने के लिए इस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है. फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे फॉर्मूले को. सब्जेक्ट के बाद शैल विल हैव वर्ब थर्ड फॉर्म. लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट. पैसिव वॉइस में Shall you will have been verb third form by subject. For example, कोई काम आप भविष्य में कर चुके होंगे. जैसे you will have written many poems. तुम बहुत सारी कविताएं लिख चुके होगे. अब यहां पे you क्या है? Subject है. Will helping verb है. Have भी एक helping verb है. Written जो है वो अपने मुख्य क्रिया के third form में है. और many poems क्या है? Object. चलिए change कीजिए. सबसे पहले क्या आ जाएगा? Many poems
फिर हाँ चलिए थोड़ा सा अब आपको रिवर्स लगाया जाए. शैल जो है बेटा इसको आई और बी के साथ ही जनरली यूज करते हैं. आप विल फ्रीक्वेंटली सबके साथ यूज कर सकते हैं, परंतु मैं तो एक ही बात कहूंगी, जहां डाउट है वहां विल लगा दो, पर शैल यहां गलत हो जाएगा. शैल का यूज आई और बी के साथ. और अगर ये चीज याद ना रहे तो सबके साथ विल लगा दो, कहीं कोई गलती नहीं होगी. लेकिन अगर आप यहां शैल लगाएंगे तो इट विल बी रॉन्ग. ओके, तो क्या हो जाएगा? मेनी पोएम्स विल हैव बीन हाँ रिटन बाय. वेरी गुड. मेनी पोएम्स विल हैव बीन रिटन बाय यू. ठीक है. We shall have read the newspaper. We shall have read the newspaper. हम newspaper पढ़ चुके होंगे. बनाइए, बहुत सरल है, कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए इसमें. हाँ, the newspaper. Good. The newspaper will have been read by. We किस में change हो जाएगा? Us. The newspaper will have been read by us. She will have seen a movie. कोशिश कीजिए. हाँ, good. A movie will have been seen. बहुत बढ़िया, very nice, very good. समझ में आ रहा है ना अच्छे से? तो ये आपने देख लिया कौन सा टेंस? Future perfect tense. यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? तीनों इंडेफिनेट, दोनों कंटिन्यूअस और तीनों परफेक्ट टेंसेस एकदम क्लियर हो गए. अब इसके बाद हमको सिर्फ एक्टिव वॉइस के फॉर्मूले देखने हैं तीनों ही परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के, क्योंकि उनका पैसिव नहीं होता है. आपके रिकलेक्शन के लिए मैं एक बार तीनों का एक्टिव का फॉर्मूला लिख देती हूँ, जिससे आपको ध्यान रहे. उसके बाद अपन आगे चलेंगे. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. आपको टेंस पढ़ाते समय बताया था, ध्यान भी होगा, ये टेंस जो है दो टेंसेस को ज्वाइन करता है. काम कंप्लीट हो चुका है और थोड़ा उसका रिमेनिंग पार्ट अभी भी जारी है. ऐसे वाक्यों को शो करने के लिए हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. जैसे सब्जेक्ट हैज हैव बीन. कंटिन्यूअस है इसलिए आप आईएनजी भी लगाएंगे, वर्ब विथ आईएनजी. लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट. मैंने आपको बताया इसका कोई पैसिव नहीं होता, तो यहां लिख लीजिए नो पैसिव. इसी के साथ
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देख लेते हैं. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जहां आपने हैज हैव लिखा है वहां सिर्फ एक ही चेंज आएगा, दैट विल बी हैड. वहां पे आप यूज करेंगे हैड इंस्टेड ऑफ हैज हैव. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. Active voice. सबसे पहले आएगा subject, उसके बाद had, been, verb with ing, last में आ जाएगा object. ठीक है, ये टेंस भी विदाउट पैसिव, नो पैसिव. वन मोर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इसमें सबसे पहले आ जाएगा एक्टिव वॉइस, सबसे पहले सब्जेक्ट, शैल विल, हैव, बीन, verb with ing, last में object. इस tense का भी no passive. तो इस तरह से ये voice के rules आपने देखे. अभी हमने सिर्फ एक ही type के tenses को deal किया है जो simple थे, affirmative थे. इसके अलावा अभी हमको interrogative sentences देखने हैं, imperative sentences देखने हैं. लेकिन इसको पहले ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों को पहले याद कीजिए. आप chart form में भी बना के इसको आप रख सकते हैं जिससे at a glance आपको सभी tenses में difference समझ में आए. We'll see you in the next class. Thank you.